हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ का फिजिक्स का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है या नई चैप्टर है जिसका नाम है लाइट, लाइट द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो लाइट है इसके हमारे दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा आपके पास रिफ्लेक्शन और एक पार्ट होगा आपके पास रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले कुछ लेक्चर्स में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की और उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो आज जो हम बात करेंगे बेसिकली इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि आपके पास रिफ्लेक्शन लाइट होती क्या है, लाइट का नेचर क्या है आपके पास, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रिलेटेड रहेगी आपके पास रिफ्लेक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, करिए नोट्स बनाना शुरू। देखिए हम बात करें सबसे पहले लाइट की, तो लाइट के ऊपर हमारे पास बेसिकली दो थ्योरीज है। लाइट के ऊपर हमारे पास कितनी थ्योरी आई, आपके पास दो थ्योरी आई। एक थ्योरी में बोला गया कि लाइट है वो आपके पास, लाइट इज पार्टिकल नेचर, लाइट आपके पास कैसी है, पार्टिकल नेचर की है। और नंबर दो पे आपके पास बोला गया कि जो लाइट है इज एन वेव नेचर। ये हमारे पास दो थ्योरीज आई है। इसमें क्या बोला गया कि लाइट है वो आपके पास पार्टिकल नेचर की रहेगी, इसमें बोला गया कि जो लाइट है वो आपके पास वेव नेचर की रहेगी। बात समझ में आया, पार्टिकल नेचर का मतलब ये हुआ कि जो लाइट है वो आपके पास स्ट्रेट मूव करेगी, एक पार्टिकल। और पार्टिकल कैसे मूव करता है, आपके पास एक स्ट्रेट पाथ मूव करता है, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे आपके पास एक कैंडल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, और आपके पास लाइट को अगर आपने देखना है तो कैसे देखोगे, आपने क्या किया, एक पाइप ली, ठीक है, और पाइप में से आपने इसको देखा, आपने देखा इसको, आपको दिखा ये। अगर मान लो मैंने पाइप को क्या किया, बेंड कर दिया, क्यों देखा, क्योंकि यहाँ से जो पार्टिकल है वो पार्टिकल स्ट्रेट आपकी आइज में जा रहे हैं, इस वजह से आपने इस चीज़ को देखा। अगर मैं पाइप को सपोज करूँ इस तरह से रख कर दे, अब क्या आप इसको देख पाओगे ऑब्जेक्ट को, क्या आपको ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है क्या ये आपको दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि लाइट तो कैसे मूव करती है, स्ट्रेट। अब लाइट ऐसे थोड़ा जाएगी इसके अंदर से कर होती हुई, है ना। तो लाइट किसने क्या प्रूव किया, इसने कि लाइट है, इसने पहली थ्योरी में बोला कि जो लाइट आपके पास पार्टिकल नेचर की है। अब पार्टिकल नेचर की है तो सीधी सी बात है कि स्ट्रेट पाथ मूव करेगी, ये बात भी सही है। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए, जो इस चैप्टर का जो आप पढ़ोगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको यही बताएंगे, सॉरी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आपको यही बताएंगे कि लाइट है उसका नेचर कैसा, आपके पास पार्टिकल नेचर है, वो पार्टिकल की तरह वो आपके पास मूव करती है। अगर वेव नेचर की बात करें तो इसमें बोला गया कि जो आपके पास लाइट है वो वेव नेचर है। वेव नेचर का मतलब एक तरह से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव आपके पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मतलब आपके पास लैम्डा मिलेगा कुछ, है ना, इनका कुछ आपके पास वेवलेंथ भी होती है, और ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्लो होने के लिए। सॉलिड में भी मूव करेगी, लिक्विड में मूव करती है, गैसियस में मूव करेगी, वैक्यूम में भी आपके पास क्या करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करेगी। तो ये बोला गया वेव नेचर ने, बात समझ में आया। तो इस तरह से आपके पास बोला। अब इन दोनों के बीच में देखो वही बात है, लड़ाई हुई, क्योंकि सबके जो दोनों की विचारधारा आपके पास थिंकिंग है वो अलग अलग है। इसके जो समर्थक हैं, इसके सपोर्टर्स क्या बोलने लगे, लाइट वेव है, सॉरी पार्टिकल है, पार्टिकल है। इसके वाले बोलने लगे कि वेव है, वेव है, ना, से कांग्रेस और बीजेपी वाला लोग हैं यहाँ पे, तो वो उनकी विचारधारा अलग है। वो इस और एक्सपेरिमेंट भी किए, ऐसा नहीं कि इन्होंने तुक्का मारा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। जैसे आपके पास एक्सपेरिमेंट का नाम है आपके पास डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ट्वेल्थ क्लास में है आपके पास, इंटरफेरेंस है, डाइफ्रैक्शन है, ये एक्सपेरिमेंट भी किए और इन्होंने क्या साबित किया कि लाइट है आपके पास वेव नेचर की है। अब भाई ये क्या बात हुई, लाइट तो दोनों आपके पास बिहेव कर रही है। तो इन दोनों लड़ाई के बीच में एक हमारे पास एक थर्ड बंदा आया, नया समझदार बच्चा आया, बच्चा तो नहीं बोलेंगे, एक समझदार साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रोगली। क्या नाम था उनका, डी ब्रोगली, ब्रोगली नहीं, डी ब्रोगली। इन्होंने को क्या बोला कि भाई लड़ाई मत करो, जो लाइट है ना वो वेव भी है और वो पार्टिकल भी है। इसका क्या मतलब हुआ, जो आपके पास लाइट है, LIGHT, लाइट इज ड्यूअल नेचर। लाइट कैसे आपके पास ड्यूअल नेचर है, समटाइम्स इट बिहेव लाइक ए वेव एंड समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल। यानी समटाइम्स ये बिहेव करेगी
बिहेव्स लाइक पार्टिकल और समटाइम्स वेव्स, डिपेंड ऑन कंडीशन। ठीक है, कि आपके पास जो लाइट है वो वेव भी बिहेव करेगी और आपके पास पार्टिकल नेचर भी बिहेव करेगी, वो डिपेंड करता है आपके पास कंडीशन कैसी है। बोले ये क्या बात हुई, एक तो ने क्या बात बोल दिया ना, हम कैसे मानने की लाइट दोनों वेव नेचर है, हम तो पार्टिकल मानेंगे, हम तो वेव मानेंगे। तो ये बोला ठीक है मैं प्रूव करता हूँ। और इन्होंने क्या किया, आपके पास प्रूव करके दिखाया। इन्होंने क्या प्रूव किया, इन्होंने एक इक्वेशन दी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा अपॉन में इज इक्वल टू सॉरी एच अपॉन में पी। जो लैम्डा है ये आपके पास वेव लेंथ है, और वेव लेंथ किसकी होती है, पार्टिकल की होती है, वेव की होती है, वेव की होती है, वेव लेंथ है। क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये, वेव नेचर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, वेव नेचर को। और ये क्या आपके पास पी, ये आपके पास मोमेंटम, और मोमेंटम क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल नेचर। यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा हो तो एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो सीधी सी बात है, तो पार्टिकल ही होता है जिसका मास अगर वो वी वेलोसिटी से मूव करेगा तो मोमेंटम। एच आपके पास एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, प्लैंक कॉन्स्टेंट इसका नाम है। इसकी वैल्यू होती है 6.623 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। वो फिलहाल हमारा इतना काम करने, लेकिन हमारा जो मेन मकसद ये है। और इसने क्या दिया आपको, रिलेशन दे दिया लैम्डा और पी के बीच में, यानी कैसा रिलेशन दिया जिसमें वेव लेंथ भी आ रही है और मोमेंटम भी आ रहा है, यानी पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। और जब हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया तो हमने देखा कि हाँ सही बात है भाई, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी आपके पास लाइट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको हम, क्वांटम थ्योरी। ये फिलहाल अभी लास्ट ये बोल सकते हैं कि नई थ्योरीज है, अभी आप 100 साल के आसपास ये डिस्कवर हुआ है सब कुछ। तो ये नहीं, ये तो बहुत पहले से है, 15 सेंचुरी के आसपास लाइट नेचर का हुआ था, न्यूटन जी ने बताया था। ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं, बात समझ में आया। ये क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं, और क्वांटम थ्योरी में जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके अंदर हम लाइट को क्या मानते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट माना जाता है। चलिए अब बात करेंगे लाइट होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। चलिए अगर हम बात करें डेफिनेशन की लाइट की, तो लाइट आपके पास क्या है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये आपके पास क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ये आपके पास क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके पास, लाइट आपके पास क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करती है, या जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। फ्रॉम विच इट कम्स, यानी और जहां से ये आपके पास लाइट आ रही है। अर्थात ये हुआ कि मान लो आपके सामने एक ट्री है, आपने ट्री को देखा है ना, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा है ना, तो ट्री है आपके पास, तो और आपने ट्री को देखा। अब ट्री को आप कैसे देख पा रहे हो, पता है क्या प्रोसेस है, यहां पे एक लाइट आएगी ट्री से निकल के, ट्री से लाइट आएगी और वो कहां पे जाएगी, आपकी आईज में। और ये लाइट आपकी जब आईज के अंदर जाएगी तो ही आप ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। ये सिंपल सा फंडा है, हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, हाउ वी सी द ऑब्जेक्ट। तो भाई हम ऑब्जेक्ट को देखने का एक तरीका है, हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उससे लाइट आ रही है और वो हमारी आंखों में जा रही है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, मैंने आगे हाथ हटा दिया, मैंने इसको देख रहा हूँ, अब मैंने इसके आगे हाथ लगाया आँखों के आगे, क्या मैं इसको देख पा रहा हूँ, नहीं देख पाऊंगा। क्यों, क्योंकि इससे जो लाइट आ रही है वो मेरी आँखों तक नहीं गई, इसका मतलब मैंने इसको नहीं देखा। तो आपके पास लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम देखते हैं जहाँ से ये आ रही है। सारा मेन फंडा यही है कि लाइट है वो आपकी आइज के अंदर एंटर होनी चाहिए, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। ठीक है भाई, चलो उसके बाद आपके पास अगर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, तो आपके पास दो तरह की आपके पास ऑब्जेक्ट आएगी, और नंबर वन उसमें आएगा लुमिनस ऑब्जेक्ट। बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल, ये 8th क्लास में 7th की साइंस में मिल जाती है चीज़ें। ठीक है, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती है, एक ऐसी ऑब्जेक्ट विच इमिट्स देयर ओन लाइट, यानी ऐसी ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट को इमिट करे, खुद की लाइट उनके पास। एग्जाम्पल क्या हुआ आपके पास, सन और कैंडल,
कैंडल जली हुई, ठीक है, बुझी हुई कैंडल नहीं, जली हुई कैंडल हो गई, और आपके पास बल्ब हो गया, ग्लोइंग बल्ब, ग्लोइंग लैम्प, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पास क्या, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनियस का मतलब ये हुआ कि आप मान लो सन है, और सन से या आपके पास बल्ब है, यहाँ से लाइट ग्लो कर रही है, निकल रही है, और आपने इसको देखा लाइट को, ये आपके पास आई है, और ये जो लाइट है वो सीधी आपकी आईज में जा रही है, और आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रही है, ये आपके पास ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, खुद की लाइट को इमिट करते हैं, इनके पास खुद की लाइट है। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे किसका, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का, ये सन है या कैंडल है, जो आपका इच्छा हो आप इसको मान सकते हैं। अगर हम बात करें नंबर दो, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट वट एवर, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, विच डज नॉट इमिट देयर ओन लाइट, ये खुद की लाइट को मिट नहीं करते, दूसरे के रहमो कर्म पे ये मतलब एक तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, बट ये खुद की लाइट इमिट नहीं करते, बट इमिट द रिफ्लेक्टेड लाइट विच फॉल ऑन देयर सरफेस, विच फॉल्स ऑन देयर सरफेस, मीनिंग ये हुआ कि इनके पास खुद की लाइट नहीं होगी, दूसरों की लाइट इसके पास, दूसरे की लाइट मतलब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट इनके ऊपर गिरेगी, इनके सरफेस पे गिरेगी, और उसको फिर वो इमिट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, इमिट आउट करेंगे, वो आपकी आंखों तक जाएगी और आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल है इसके पास, आपके पास आ गया सन, सॉरी मून, आपको पता है मून के पास खुद की लाइट नहीं होती ना, वो सन की लाइट से क्या है, चमकता है, ब्राइट है और हमें दिख रहा है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मान लो टेबल है, टेबल हो गया, चेयर हो गई, व्हाटएवर, जितने भी आसपास में ऑब्जेक्ट है ना, ये आपके पास। अच्छा मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये खुद की लाइट को मिट नहीं कर रहा, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये इस लाइट को मिट नहीं कर रहा, तो फिर हम इसको देखेंगे कैसे, है ना, और हमें दिख भी रही ऑब्जेक्ट्स, वो किस लिए दिखी, कि मान लो यहाँ पे कोई आपके पास सन है, यहाँ से लाइट इसके ऊपर आई है, वो लाइट आई, लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया या फिर रिफ्लेक्ट कर दिया, और लाइट को क्या कर दिया, इमिट आउट कर दिया, लाइट को उसने क्या कर दिया आपके पास, इमिट आउट कर दिया, और आपकी लाइट आपकी आंखों में गई और आपको ये ऑब्जेक्ट दिखी। जितनी भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो आपको क्यों दिख रही है, क्योंकि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट उनके सरफेस पे गिरी, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुई, मतलब वहाँ से गिर कर दोबारा से वो फैल गई पूरी डायरेक्शन में, स्कैटर्ड हो गई और आपकी आंखों में गई और आपने इस ऑब्जेक्ट को देखा। चलो अब मान लो आपने ये ऑब्जेक्ट को अंधेरे में रखा हुआ है, एक डार्क रूम है बिल्कुल, जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, बिल्कुल भी आपके पास लाइट है ही नहीं, तो क्या आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, अंधेरे में बिल्कुल अंधेरा होगा, नहीं दिखेगी आपको अंधेरे में चीज़ें, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, है ना, बिल्कुल अंधेरा रूम है, डार्क रूम है, क्या आप उसको ऑब्जेक्ट को देखोगे, नहीं दिखेगा, तो टक्कर लगेगी आपकी, क्यों, क्योंकि लाइट इमिट कर ही नहीं पाएंगे, खुद की लाइट है ही नहीं इनके पास, अब दूसरा इनको लाइट कोई देने वाला है नहीं, तो ये आपको नहीं दिखेंगे और आपकी आंखों में लाइट जाएगी नहीं। हाँ लेकिन अगर आप अंधेरा है, डार्क रूम है बिल्कुल, वहाँ पे कैंडल को जला दो, क्या दिखेगी आपको, हाँ, क्योंकि उसके पास खुद की लाइट है, वो लाइट आपके पास आपकी आंखों में जाएगी और आपको वो ऑब्जेक्ट दिखेगी, तो ये आपके पास क्या हो गया, ल्यूमिनियस, ये आपके पास हो गया नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक समझ में आया, किसी प्रकार की परेशानी दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया आपके पास बेसिक, इसके बारे में बात करेंगे अब रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन होता क्या है, चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट वेव या सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि आपके पास क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे वेट फॉल ऑन द सरफेस, कि आपके पास लाइट रे आ जाएगी आप, ठीक है, वेव में बोल ही नहीं सकते पहली बात है, तो वेव
को रिप्रेजेंट करती नहीं है ना, ये तो पार्टिकल के पक्ष में, रे रे ऑफ लाइट के पक्ष में, ये रे जाएगी, पार्टिकल की रे निकलेगी आपके पास। तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे, कि द प्रोसेस है जिसमें लाइट आपके पास क्या हो जाएगी, मान लो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास कैसे है एक, चलो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैसे आपके पास, कैसा आपकी मर्जी है, नॉन लुमिनियस वट एवर आप कैसा मान, मान लो आपके पास ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपके पास क्या एक लाइट आई, और जैसे ही वो इंसिडेंट है लाइट, आपके पास लाइट रे आपके पास आई और लाइट आकर क्या चली गई, वापिस चली गई, सेंडिंग बैक हो गई लाइट, व्हेन फॉल ऑन द सरफेस, इस सरफेस के ऊपर कोई एक लाइट पड़ी और वो इसके ऊपर गिर कर कहाँ चली गई, वापिस चली गई, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आया, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट एक सरफेस पे गिरेगी और गिरकर क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, वापस चली जाएगी, उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ये आपके पास क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बात समझ में आया, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, आप कर किया भी होगा आपने ये, मिरर, अगर आपके पास मिरर है, सपोज करो, अच्छा सरफेस कैसा होना चाहिए आपके पास, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, एब्जॉर्बेंट सरफेस हुआ तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर, ब्लैक कलर के ऊपर अगर आप लाइट डालोगे वो लाइट बाहर निकलेगी नहीं, जो ब्लैक कलर है वो लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए आपके पास सरफेस कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्ट। और बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टिंग जो मेटल की बात करें वो आपके पास होता है सिल्वर, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मेटल या फिर बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसीलिए जब हम मिरर बनाते हैं शीशा घर पे, सुबह देखते होंगे ना अपना मिरर में अपना फेस, थोपड़ा, वट एवर, ये आपके पास मान लो गिलास है, गिलास है और गिलास के पीछे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमने सिल्वर की कोटिंग कर दी, किसकी कोटिंग की, हमने सिल्वर की। क्या बात समझ में आया, अब क्या हुआ कि जैसे ही लाइट इसके ऊपर आएगी वो सिल्वर क्या कर देगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, लाइट आई उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ये क्या हो गया आपके पास, ये मिरर बन गया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया, है ना, मिरर जो घर में यूज़ करते ना, अगर नहीं है आप घर पे बना भी सकते हो, कैसे बनाएं सर, नहीं तो फिर तो बता ही दो, फायदा हो जाएगा, मार्केट से नहीं खरीदना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल है गिलास है, ट्रांसपेरेंट गिलास है आपके पास, और गिलास के पीछे एक बार आप कोई भी अपने घर पे जो एल्यूमिनियम हम यूज़ करते हैं, रैपर है, एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं ना खाना, लंच पैक करने के लिए खाना, तो उसको भी अगर आप उसके पीछे लगा दोगे ना तो वो मिरर बन जाएगा, करके देखना इसको, क्यों, हाँ हालांकि एल्यूमिनियम है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर नहीं है, सिल्वर जितना नहीं है, बट आपको फिर भी क्या करेगा, वो करके देखोगे तो फिर भी आपको क्या करेगा, एक मिरर बन जाएगा, क्यों, क्योंकि लाइट आई और वो ग्लास से पार नहीं हुई लाइट, अंदर के आपके पास अंदर है वो पीछे रिफ्लेक्टर लगा है, रिफ्लेक्टर है वो क्या, सिल्वर सॉरी एल्यूमिनियम है, और लाइट टकरा के वापस आ जाएगी और वो भी आपको क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। अरे सर सही बता दिया ना, आप तो ऐसे करेंगे, तो आपके पास क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आया, यह इसकी डेफिनेशन है, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, इसको छाप दो, इसको रब करते हैं, फिर इसके बाद हम यूज़ करेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ करेंगे, पूरा रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो वो टर्म्स बार बार रीयूज होगा, इनका मतलब क्या होता है, होता क्या है, चलिए इसको बारे में बात करते हैं, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। क्या बात है इसमें, हमारे पास सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए सबसे पहले हम यहां पे एक बना लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के हिसाब से फिर हम इन चीजों को पढ़ेंगे। मान लो आपके पास ये M और M डैश आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बात समझ में, M और M डैश इसको मिरर बोल दो या कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर मान लो आपके पास ये लाइट आई, ठीक है लाइट आपके पास आई, अभी बताएंगे सारी चीजें होती क्या क्या है, परपेंडिकुलर है ना, हाँ ठीक है, और ये लाइट आके ऐसे चली गई, देखो एरो का थोड़ा ध्यान रखेंगे हम, इस पॉइंट को मैंने बोला ओ पॉइंट, इसको बोला मैंने ए पॉइंट, इसको बोला मैंने बी पॉइंट, बात समझ में आया, और इसको मैंने बोला एन पॉइंट, क्या ये बात समझ में आई अच्छे से, और सीधी नहीं है क्या, ये लो
RBS, चलो कोई ना। तो आपके पास क्या हो गई, आप इसी को एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से देखना। अगर बात करें हम नंबर वन टर्म्स की, तो आपके पास है इंसिडेंटरी। सीधा क्वेश्चन ही एग्जाम से पूछते हैं भाई, इंसिडेंटरी। तो इंसिडेंटरी आपके पास क्या होगी, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, यानी आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि एक ऐसी रे जो लाइट, जो रे ऑफ लाइट विच फॉल, जो गिरी हुई है, जो गिरी है, गिरी हुई नहीं सॉरी, जो फॉल हुई है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। यानी ए ओ आपके पास क्या है, एक तरह से इंसिडेंट रे है। क्या बात समझ में आया, यानी आपके पास क्या है, ये इंसिडेंट रे। फाइन, छाप दो इंसिडेंट रे को। चलिए आगे बात करें नंबर दो। नंबर दो पे आपके पास आएगा वर्ड नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल बाद में, पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया भाई साहब आपके पास एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर जो है, आपके पास एक ऐसा पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जिसके ऊपर इंसिडेंट रे फॉल हुई है, यानी द पॉइंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ऐसा पॉइंट ऑन विच, जिसके ऊपर इंसिडेंट रे फॉल, फॉल्स या फॉल, एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर इंसिडेंट रे फॉल हुई है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी पॉइंट ओ। इस डायग्राम में आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पी ओ आई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। क्या बात समझ में आई, जिसके ऊपर आपके पास रे ऑफ लाइट आई। चलो करें आगे, चलो इसको छाप दो। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर तीन पे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे आपके पास क्या हो गई, जो रे आपके पास सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद जो सेंड बैक हुई है, वो रे आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। नंबर तीन पे आपके पास क्या आया, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे आपके पास क्या हुई, द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर फॉल्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल होने के बाद जो लाइट वापस गई है, वो आपके पास क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे। डायग्राम में कौन सा हो गया, ओ बी, ओ बी आपके पास क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गया आपके पास, रिफ्लेक्टेड रे, यानी आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। बिल्कुल बेसिक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, बढ़िया से इनके नोट्स उतार लो, पूरी जो आपकी फॉर एग्जांपल मैंने 10th यूनिट की जो दो यूनिट आपको पहले करा चुका हूँ, यूनिट नंबर है, पहले हमने करवाया था आपको, आपका इलेक्ट्रिसिटी था, वो कम्प्लीटली आपकी जो है वो मैंने यहाँ पे छपवाया हुआ है, अच्छे से नोट्स बना सकते हो विद न्यूमेरिकल्स, या बोर्ड चाहे आपके पास CBSE हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर दो पे हमने मैग्नेटिक इफेक्ट को कराया, और नंबर तीन यूनिट है जो इसमें फर्स्ट लेक्चर, मतलब जो आपके पास नंबर तीन यूनिट है वो हम करवा रहे हैं लाइट, तो कम्प्लीटली लाइट आपको यहाँ पे छपवा दी जाएगी, तो प्रॉपरली नोट्स बना लेना आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। चलो ये आपके पास हो गया। नंबर चार पे नॉर्मल, भाई नॉर्मल है ना, सबसे पहले बात याद करना है, जो नॉर्मल है ये एन ओ है, ये आपके पास एक लाइन है, एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पे है, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे रखा हुआ है स्ट्रेट लाइन। बेसिकली ये हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल का मतलब है इमेजनरी है, ये रियलिटी में नहीं है कि लाइट आपको यहाँ पे दिखेगा, ये नॉर्मल रहा ना, नॉर्मल हम क्या मान लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे
जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे वो लाइट गिरेगी वो पॉइंट है, तो इन ओ पे इसको ड्रॉ किया, ये हाइपोथेटिकल है। और क्या हो गया आपके पास एन ओ है, वो आपके पास क्या नॉर्मल है, एन ओ क्या आपके पास नॉर्मल। क्या बात समझ में आई, यानी आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया एन फोर नॉर्मल। ठीक है भाई, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम बात करेंगे नंबर फाइव। अभी कुछ बचता है क्या इसमें, बच रहा है? अच्छा चलो नंबर फाइव। ये जो टर्म्स है ना ये सारी मैं पता है आपको, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल, ये चीज़ें पूरी जो जब तक आप चैप्टर पढ़ोगे रिफ्लेक्शन वो वहाँ पे बार बार आएगी। तो वहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि एक लाइट आने वाली लाइट है, हम सीधा बोलेंगे कि इंसिडेंट रे है। ऑटोमेटिकली माइंड में होना चाहिए कि इंसिडेंट रे होती है, ठीक है। और ये वैसे एग्जाम्स में पूछते भी है टर्म सीधा कि वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंसिडेंट रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा सुनो, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है कि जो आपने क्या किया, जो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया है, यहाँ पे देखो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, आई, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करें आपके पास आई से, ठीक है। एंगल आगे लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ना भी लगाओ तो सिर्फ सीधे के लिख दो आई, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बात समझ में आया, ये एंगल आई है, एंगल वर्ड यूज करते हैं ना मैथ में, ठीक है भाई। सिमिलरली नंबर दो पे आपके पास कौन आया, लास्ट है ये, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। या सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल देंगे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा मत बोलना द एंगल मेड बाय नॉर्मल विद इंसिडेंट रे, ना इंसिडेंट ने नॉर्मल के साथ बनाया है, नॉर्मल तो बेचारा अपने वहीं पे शरीफ चुपचाप खड़ा हुआ है, इंसिडेंट रे आगे पीछे हो रही है, तो इंसिडेंट रे बना रही है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, आर से। किससे रिप्रेजेंट किया हमने इसको, आर, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। इसको एंगल आर भी बोल दो या फिर आप क्या बोल दो सीधा आर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, या आपके पास हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए बात समझ में आई, यहाँ तक आपके पास होता है ये इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक लास्ट है, एक बार हम इमेज की बात और कर लेते हैं, क्योंकि एक दो इमेज होती है आपके पास। चलिए इमेज आपकी फ़ोटो, ठीक है, तो चलो इसको एक बार रब करते हैं और फिर पढ़ते हैं हम नए टॉपिक पे। एक लास्ट है, जैसे हमने ऑब्जेक्ट की बात की थी कि आपके पास ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ल्यूमिनियस होगा या नॉन ल्यूमिनियस होगा, तो इमेज बोली भाई ऑब्जेक्ट इमेज होती क्या है, फोटो, किसी चीज़ की इमेज बनना, मतलब उसकी परछाई बनना, एक तरह से ये एक इमेज ही है आपके पास। अब मान लो सारा खाले खेल आप का इमेज का ही तो है आपके पास, इमेज, तो इमेज हमने दो पार्ट बोला हमने इमेज का भी, एक हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं नंबर वन रियल इमेज, वहाँ सिक्स हो गए थे ना, चलो इसको सेवन मान लो रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है, द इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, जो इमेज स्क्रीन पे बनेगी उसको हमने क्या बोला, रियल इमेज, द रियल इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन।
इज कॉल्ड रियल इमेज। एग्जाम्पल हो गया इसका हीरो हीरोइन, है ना, एक्टर्स, एक्टर्स को आप देखते हो कहाँ पे, सिनेमा हॉल में, इन सिनेमा हॉल स्क्रीन, इन सिनेमा हॉल स्क्रीन है वहाँ पे जो आपको मूवी दिखती है ना, वो कैसी इमेज होती है, रियल इमेज होती है, वास्तविक होती है, यानी पर्दे पे इमेज दिख रही है, आपके पास स्क्रीन है और स्क्रीन के ऊपर ऐसी लाइटें आ रही है और लाइटें आपको यहाँ पे मिल रही है और वो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है पर्दे पे, ये आपके पास रियल इमेज हो गई। नंबर दो वर्चुअल, वर्चुअल इमेज क्या होती है, द इमेज विच इज नॉट फॉर्म्ड, स्क्रीन पे नहीं बनेगी बट कहां बनेगी, फॉर्म्ड बैक साइड, ऑफ इमेज, ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के पीछे बनेगी, इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ऐसा भी कुछ होता है क्या, नहीं होता, अरे भाई होता है, देखो सबसे बड़ा एग्जांपल देते हैं आपको इसका, आप तो डेली ट्रीट करते हुए चीज़ें देखते हो, ये आपके पास मिरर है, क्या आपके पास ये मिरर है और मिरर के सामने क्या है कि आप खड़े हुए हो सुबह पहले ना, ये आप खड़े हो भाई मिरर के, आप चलो मिरर के सामने ना धो के सुबह ना, ये आपने बाल बना रखे अच्छे से, बढ़िया तरीके से बाल बना के आप खड़े हो, अब जैसे आपने खुद को देखा मिरर में आपको क्या लगेगा, एक अभी बनेगा नहीं ऐसा ना सेम, कोई ना एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, आपको क्या लगेगा, आपको चलो करते हैं कोशिश कुछ, तो तुम समझ जाना तब, ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं जाना ना, वो हवाबाजी बना दिया था, अरे भाई ठीक है अरे बाबा ये बाल ऐसे ही है ऐसे ही, ठीक है ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि मोटा दिख गया है ना थोड़ा अम्पिट है, कोई ना, आपको क्या लगेगा कि इसके बराबर में पीछे कोई और खड़ा है, यानी यहाँ पे अगर मैं हूँ मी, तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी, वो मेरे को मिरर पे नहीं दिख रही, वो मेरे को ऐसा सेम हो रहा है कि ऐसा दिख रहा है कि वो इमेज मिरर के पीछे है, अरे भाई आपने देखा खुद को देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है, धूम थ्री नहीं देखी, आमिर खान एक शीशे के सामने खड़ा होता है और फिर बाद में पता चलता है वो दूसरा रियल उसका कॉपी है, है ना, उसका दूसरा कॉपी है, वो रियल है वो पीछे, लेकिन जब कोई देखने वाला देखेगा उसको क्या लगेगा, इसकी इमेज है शीशे में, इसी की इमेज बन रही है बट वो दूसरा है, तो क्या हुआ उसी तरह आपको इमेज, अब मान लो मैं मिरर से अगर 2 मीटर दूर खड़ा हूँ, कितना दूर हूँ मैं, 2 मीटर मिरर से, तो इधर मैं भी कहाँ रहूँगा, मैं मिरर से 2 मीटर दूर ही रहूँगा, हाँ दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, अगर मैं मिरर से 2 मीटर दूर हूँ तो मेरी इमेज भी कहाँ बनेगी, मिरर से 2 मीटर दूर ही तो बनेगी, अरे भाई जितना पास आओगे इमेज भी आपको पास दिखेगी, आपको लगेगा ये भी देखो दूसरा नाम मेरा ही बंदा है ना, मेरा ही अंश है और वो भी मेरे पास आ रहा है, मैं उसके पास जा रहा हूँ वो मेरे और पास आ रहा है, मैं जितना दूर जा रहा हूँ वो मेरे से दूर जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, वो इमेज आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रही, वो स्क्रीन के पीछे दिख रही है, अगर मैं वहाँ पर गिलास लगा के आपका डुप्लीकेट खड़ा कर दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि इमेज है या फिर रियल है कोई, तो ये आपके पास क्या होता है, वर्चुअल इमेज। एग्जाम्पल हो गया इसका, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो गया, मिरर, मिरर इमेज, सुबह ना धोके है ना हम हवाबाजी में बाल बनाते हैं अपने शिष्य के सामने, तो सारा आपका क्या बनता है, वो वर्चुअल इमेज बनता है, तो ये आपका बेसिक हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, इमेज फॉर्मेशन व्हाटएवर, बहुत चीज़ें अभी तो स्टार्ट हुआ है तो घबराने की बात नहीं है, या अगर ये आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू।